बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम मैथमेटिक्स का यूनिट 1 कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। आज हम इसमें करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि मेक श्योर नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट वन इक्वल्स द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड वन, के नंबर ऑफ कॉलम पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स की रोज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। स्टेप 2 ये है कि मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम इन द सेकंड मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स की रो को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, हर एलिमेंट को, और फिर उसके बाद ऐड द प्रोडक्ट्स, उनको उनकी प्रोडक्ट्स की एडिशन करनी है। तो पहले तो ये कि ये फर्स्ट स्टेप है, 3 कॉलम्स आर इक्वल टू 3 रोज। दूसरा स्टेप ये है कि वी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद ईच कॉलम, ठीक है। तो उसमें हम पहले फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं बॉक्स के अंदर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हम वी मल्टीप्लाई सेकंड रो विद ईच कॉलम। तो पहले हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। आप देख रहे हैं कि इनको हमने दो अलहदा अलहदा बॉक्सेस में शो किया है। देन वी विल ऐड स्टेप 3। तो इसमें हमने इनको ऐड किया है और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये 2 कॉलम और 2 रोज की हमारे पास आ गई मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को भी खुशगवार बनाना चाहते हैं तो कुछ रूल्स को फॉलो करें। एक तो आप मेहनत की आदत डालें, क्योंकि कुछ हासिल करने के लिए आपको पहला कदम तो खुद ही उठाना पड़ता है। फिर इफ़ यू डू नॉट आस्क, अल्लाह तो बग़ैर मांगे भी देता है, लेकिन अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू करें। एंड इफ़ यू डोंट स्टेप यू विल नॉट, तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। और फिर यह है कि अल्लाह को पहचानने के लिए, कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह की किताब को समझ कर पढ़ें। इसमें वो तरीके लिखे हुए हैं जो हमें ज़िंदगी में भी कामयाबी अता करेंगे और आखरत में भी। तो रोज़ाना कम अज़ कम 3 आयात को पढ़ना अपने ऊपर लाजिम कर लें तर्जमे के साथ, ताकि आपको पता चले कि अल्लाह ने हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये दूसरी एक एग्जांपल है, इसमें भी हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 ये है कि हमने देखा कि 2 कॉलम्स एंड 2 रोज ये मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हम ईच एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय ऑफ द 2 मैट्रिसेस। अब हमने इसकी सेकंड कॉलम को और फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया और अब इसके बाद हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमारे पास ये 3 जो है कॉलम्स की फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब हम मल्टीप्लाई सेकंड रो विद ईच कॉलम, तो सेकंड रो को ईच कॉलम से पहले हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर हम उसके बाद इसको सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास ऑरेंज बॉक्स में आंसर मल्टीप्लिकेशन आ गई। और उसके बाद हम इसको थर्ड कॉलम के साथ सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आता है। उसके बाद हम इसी तरह थर्ड रो को ईच कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आसानी के लिए आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रो है उसको और उसके कोरस्पोंडेंट कॉलम को मैंने अलहदा डिब्बे में लिखा है, ताकि आपको कोई गलती ना लगे। इस तरह हमने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, हमने थर्ड रो को भी सेकंड मैट्रिक्स के ईच कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब हमने थर्ड स्टेप किया कि हमने इनको ऐड करना है, हम इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद अलहदा अलहदा ऐड करेंगे,
तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड जो है एडिशन आ गई। अब इसको हमने उसी तरह मैट्रिक्स में आंसर को लिखा, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है आपको सबक समझ आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।